हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चलते हैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी रहस्यमय जंगली बाबा के मंदिर की तरफ। और इसके बारे में कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लगभग 2011 या 12 ईस्वी में एक बच्चे की अचानक जंगसात जांच पड़ताल के तहत पाया गया एक जंगल में के दौरान हुई लिंग का कुएं में एक महाशिवलिंग की उत्पत्ति। और तब से इस जंगल में यहाँ पे बहुत ही भव्य प्रदर्शन के साथ मेला लगता रहता था। हर महाशिवरात्रि को शिव जी भगवान का भव्य मेला आयोजन होता है और बहुत ही भीड़ के साथ बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं और यहाँ पे जल अर्पण करते हैं। महाशिवरात्रि को प्रत्येक वर्ष एक बहुत ही बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में आज हम भी जा रहे हैं देखने के लिए। देखते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पे खासकर तो अपनी श्रद्धा काफ़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पे आते हैं और अपना पूजा त्यौहार करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेंगे यहाँ पे। दो पंक्तियों में पंक्तिबद्ध होकर के महिलाएँ एक तरफ और पुरुष एक तरफ एक एक करके जा कर के जल अर्पित करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा है जिसे जंगली बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये अब जंगली बाबा के नाम से भी ख्यात है। और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पे भव्य मेले का आयोजन होता है। विशेषकर महिलाएं उपवास रखती हैं तथा भी अपने श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं और मेले का आनंद ले सकते हैं। इसका लोकेशन बड़गांव से आगे महेंद्र चौक से आप बाएं मुड़ेंगे या यदि आप ढाला की तरफ से आ रहे हैं तो दाहिने मुड़ करके लगभग 100 मीटर जाने के बाद राइट साइड में आपको यह लोकेशन मिलेगा। इस मेले का भव्य प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह मेला आप